अस्सलाम वालेकुम। आज संडे स्पेशल में हम आज चिकन रवा कबाब बनाने जा रहे हैं और क्रिस्पी होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। आज तक जो भी कबाब खाए हैं सबसे बेहतरीन कबाब यही होता है। तो इसके लिए देखिए, मैंने 200 ग्राम के करीब कीमा लिया है। इसे हाथ से छोटा छोटा कीमा करवाएं और बारीक कीमा बिल्कुल ना लें, क्योंकि जब ये मुँह में आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये कीमा लिया है, इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉईल करेंगे। तो मैंने इस बॉईल करने के लिए रखा, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और गैस ऑन करते हैं। और एक आधा चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी। इससे क्या होगा, चिकन की स्मेल अच्छे से चली जाएगी। अब इसको हम ढाँक के उबाल देते हैं। 5 मिनट तक उबालें, उसके बाद हम बताते हैं क्या क्या करना है। देखिए, अब हमारा ये चिकन कीमा बॉईल हो गया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे छान लेते हैं। एकदम अच्छी तरह इसे छानेंगे हम, और जब तक ये ठंडा हो रहा है हम छानेंगे, तब तक हम क्या करते हैं, ये 2-3 पाव है, पाव लेना है और उसके ऊपर की साइड निकाल लेना है, ब्राउन साइड निकाल देना है। इस तरह ब्राउन साइड निकाल के, चाहे ब्रेड भी लें, ब्रेड का भी ब्राउन साइड निकाल दें। ये ब्रेड है, ब्रेड का भी ब्राउन साइड निकाल दें, सिर्फ वाइट पार्ट लेना है। फिर इसे हम पानी में भिगा देंगे। देखिए, अब हम इसे क्या करेंगे, इसे पानी में सोक कर देंगे। पानी में थोड़ा फूल जाने दीजिए और फिर हम चिकन निकाल के बताते हैं क्या क्या मसाले इसमें डालना है और कैसे करना है। अब हम चिकन का पानी ऐसा निचोड़ के इसमें डाल देंगे। पानी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल निचोड़ देना चाहिए इसमें। पता ना, देखिए इस तरह से पूरा ड्राई कर दें, एकदम ड्राई होना चाहिए। चलो, ये हो गया चिकन कीमा हो गया। अब हम अनियन को एकदम बारीक करके रखे हैं, इसका भी हम पानी निकाल देंगे। एक बड़े साइज का अनियन है ये, क्योंकि हम थोड़ी सी क्वांटिटी बना रहे हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बनाए तो 2-3 डाल सकते हैं। देखिए, पानी इसका निचोड़ के हम अनियन को भी डाल देते हैं। पूरी तरह से पानी एकदम निचोड़ डालें, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। हाँ, देखिए ये अनियन भी हमने डाल दिया। अब क्या करेंगे, ये जो पाव है ये भीग गया है, इसका ब्राउन पोर्शन जो बचे वो निकाल दे। वैसे डाल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी अच्छी तरह से निचोड़ लें। एकदम पानी निचोड़ लें, क्योंकि ये बाइंडिंग का काम करेगा। निचोड़ देना तो पानी। अब देखिए, ये पाव और ब्रेड को मैंने निचोड़ के डाल दिया अच्छी तरह से। अब जो मसाले डालेंगे हम, देखिए ये 1 चम्मच धनिया पाउडर है भर के, 1/2 चम्मच कुटी मिर्च है, 1/2 चम्मच गरम मसाला है और 1/2 चम्मच भुना जीरा पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्च है और 1/2 चम्मच हल्दी है। ये डाल दें और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। वैसे बॉईल करने में भी हमने नमक डाला था, इसलिए पहले कम डालें। और अब हम इसमें, ये देखिए, हरी प्याज को मैंने काट के रखा है, 2 मुट्ठी हरी प्याज है, उसे डाल देंगे। और धनिया पुदीना 1-1 मुट्ठी है और ये 4 हरी मिर्चें हैं, ये काट के डाल देंगे। इसके बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। और ये 1 चम्मच भर के इसमें दूध की मलाई या क्रीम डालें। अब हम इन सब चीज़ों को मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, अब सब अच्छी तरह से मिक्स हो गया। नमक आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट कर लें और फिर उसके बाद इसे ढककर हम 15 मिनट तक रख देंगे।
अब 15 मिनट हो गए हैं, हम इसमें आधा लेमन जूस डालेंगे। और इसमें हम या पास्ता मसाला डालें या मैगी मसाला डालें, कोई भी मसाला चलेगा, एक पैकेट हम ये डाल देंगे क्योंकि बहुत ही। अब इसमें मिला लेंगे, ये डाल के मिला लेंगे और फिर कोटिंग करेंगे। बताती हूँ किस तरह कोटिंग करना है। अब देखिए इस तरह से, जैसे शामी कबाब की टिकिया बनती है उसी तरह से एकदम पतली ना बनाएं, थोड़ी सी वो। और तेल गरम करने हमने रखा है। अब देखिए इसे रवा में इस तरह, सिर्फ अंडा वगैरह कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ रवा। अब ये तेल गरम हो जाए, इसमें डाल देते हैं हम धीरे धीरे, धीमी आंच पे इसे हम सेकेंगे। उलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे, एकदम क्रिस्पी होगा, बहुत ही टेस्टी होगा। आपको हम फिर पलट के बताते हैं। देखिए अब हम मीडियम आंच पे हम तल रहे हैं और देखिए अभी पलटेंगे अलट पलट के। देखिए कितने क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी कबाब होते हैं ये। इसी तरह से अब हम मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे, क्योंकि चिकन भी पका हुआ है तो हमें ये टेंशन नहीं रहता कि चिकन कच्चा रह जाएगा, और अच्छे से ये पलट जाता है। अब हम इसे गरम गरम सर्व करेंगे, चटनी की ज़रूरत नहीं, ये चटपटा होता है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करें और दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।